आपको नहीं लगता हमारा ये देश हर औरत के लिए सुरक्षित होना चाहिए? इस देश में हर औरत का हक होना चाहिए खुलेआम घूमने का, जैसे घूम रही हैं महाबलेश्वर में हमारी अलीशा पनवर, और इनके साथ हम भी जरा घूम लेते हैं महाबलेश्वर में। कभी तारा तो कभी आरोही, और अब आलिशा बन गई है माँ। जी हाँ, आलिशा बन गई है एक माँ जिसका नाम है माधुरी। स्टार प्लस पर जल्द आने वाला है नया सीरियल मेरी गुड़िया, जिसमें माधुरी के किरदार में नजर आएंगी आलिशा पनवर। और आज सास बहू और बेटियाँ पहुँच गया है महाबलेश्वर, जहाँ हो रही है सीरियल मेरी गुड़िया की शूटिंग। मतलब शिमला की ब्यूटी यानी आलिशा पहुँच गई है महाबलेश्वर, और आलिशा का तो पहाड़ों से पुराना नाता है, और इस हिल स्टेशन पर शूटिंग करने में आलिशा को बहुत मजा आ रहा है। सास बहू और बेटिया संग आलिशा घूमेंगी महाबलेश्वर की गलियों में, लेंगी यहाँ की फेमस स्ट्रॉबेरीज और फ्रेश जूसेस का मजा, करेंगी ढेर सारी शॉपिंग, बनाएंगी कैंडी फ्लॉस और लेंगी ठंडे ठंडे गोले का मजा। तो चलिए आलिशा संग करते हैं ये मस्ती भरा डे आउट। मैं महाबलेश्वर पंचकनी में घूम रही हूँ एंड आई एम लिटरली हैविंग फन आउट हियर। एक दुकान के पास आई हूँ जहाँ बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ है। आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर एंड दिस स्टफ आर रियली कूल, सो लेट्स जस्ट सी यहाँ एग्जैक्टली क्या क्या है। भाई सबसे पहले आलिशा ने शुरू की स्ट्रीट शॉपिंग, और देखे इन खिलौनों की दुकान में आलिशा खुद बच्ची बन गई है। कभी डमरू बजाती तो कभी गिटार, कभी बंदूक चलाती है तो कभी तलवार। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। आई स्वेयर आई हैड सिमिलर काइंड ऑफ डमरू व्हेन आई वाज वेरी लिटिल, एंड उसके बाद मैं आज आई थिंक बहुत ज़्यादा सालों बाद मैं ये दोबारा प्ले कर रही हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट गोज लाइक दिस। Oh wow, I'm loving it. Okay. Oh wow, ये बहुत cute है। I think इसे देख के मुझे हातिम की याद आ गई, because जब हम छोटे होते थे तो all the cousins, you know, हम सब इकट्ठे हो जाते थे और इस तरह की हरकतें करते थे, I would rather say. So, today I'm feeling very nostalgic. शॉपिंग करते करते बारी आई कैंडी फ्लॉस की, और देखिए कैंडी फ्लॉस को देखते ही आलिशा कितनी एक्साइटेड हो गई। मैंने बचपन में बहुत कैंडीज खाई है एंड कैंडी फ्लॉस को देखकर सबसे पहली चीज अपना बचपन ही याद आता है ऑब्वियसली, एंड इट इज सो यमी एंड सो टेस्टी। वाओ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कैंडी फ्लॉस बनते हुए देखा है, दिस इज अमेजिंग। साथ ही हिल स्टेशन पर ठंडा गोला खाने का मजा ही कुछ और है। यानी पेट पूजा के साथ साथ आलिशा शॉपिंग भी कर रही हैं, और अब बारी आई इन खूबसूरत हैट्स को ट्राई करने की। वैसे मैं वेरी बैड एट सिंगिंग, बट स्टिल अगर मुझे कोई गाना याद करना होगा तो इस पॉइंट पे मैं कौन सा गाना गाऊंगी। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे
न्यू टोपी पहने, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। माय अपकमिंग शो मेरी गुड़िया, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यूट लिटिल हैट मैं उसके लिए ले जाना चाहूंगी, बट उससे पहले मैं ये ट्राई भी करना चाहूंगी। वैसे महाबलेश्वर आए हैं और स्ट्रॉबेरीज ना खाए ऐसा भला कैसे हो सकता है, तो आलिशा को जैसे ही दिखी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज वो पहुंच गई स्ट्रॉबेरीज का मजा उठाने। अगर हम महाबलेश्वर आए हैं और हमने बेरीज नहीं खाई, स्ट्रॉबेरी नहीं ट्राई की, तो हमने कुछ भी नहीं किया। सो आई थिंक लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स दैट साइड। बहुत ही फ्रेश फ्रेश बड़ी बड़ी यू नो स्ट्रॉबेरीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है। सो आई हैव स्ट्रॉबेरी विद मी नाउ एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई। शॉपिंग हो गई, स्ट्रॉबेरीज का स्वाद भी चख लिया, अब बारी है उस जगह जाने की जहाँ ये सारी बेरीज उगती है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। हम जब भी निकलते हैं तो इतना चारों तरफ ग्रीनरी है, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है। आई एम जस्ट एंजॉयिंग बीइंग हियर और अभी देर इज लॉट्स मोर टू एक्सप्लोर। वेल हम यहाँ मैप्रो आए हैं बिकॉज हर्ड सो मच अबाउट स्ट्रॉबेरीज, जो महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज होती है उनके बारे में बहुत सुना है, तो अब स्ट्रॉबेरीज टेस्ट करके देखेंगे और उससे रिलेटेड जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि क्रशर्स एंड जूस एंड वॉट नॉट वो सब भी ट्राई करेंगे। मैप्रो पहुँच कर ना सिर्फ आलिशा ने स्ट्रॉबेरीज के बागान देखे बल्कि यहाँ के फ्रेश जूसेस के जायके का मजा भी उठाया। सो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द स्ट्रॉबेरी वन। ये एक शॉट है स्ट्रॉबेरी शेक का, यू कैन से। सो यमी एंड ये कौन सा फ्लेवर है? ग्रीन एप्पल। वाओ दिस इज ग्रीन एप्पल, सो आई विल टेस्ट दिस। इट इज यू नो जस्ट एज यू आर हैविंग दैट फ्रूट। ओह वाओ सी वी हैव सो मच ऑफ इट, कितना कलरफुल लग रहा है, इट इज सो ब्यूटीफुल। सो ये बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वो जगह है जहाँ वो सारी स्ट्रॉबेरीज ग्रो होती हैं, वो बेरीज जो हमने मलबेरी का शेक टेस्ट किया था वो सब यहीं ग्रो होता है, उसकी प्लांटेशन है ये। मैं सास बहू और बेटिया के साथ महाबलेश्वर की सैर करने के बाद आलिशा फिर पहुंच गई अपनी शूटिंग पर और देखे तो जरा कैसा है माधुरी का लुक। और अपने फुर्सत के पलों में आलिशा ने सास बहू और बेटिया को अपनी माँ से मिलवाया, वो भी वीडियो कॉल के जरिए, और यहाँ पर दिखी माँ बेटी की क्यूट केमिस्ट्री। हाय हेलो हाय, सो सी दिस इज फ्रॉम वेयर आई पिक्ड अप मेरा बेबी। इन द शो यू विल आल्सो सी मी सेइंग द सेम थिंग। हाय कैसे हो? So what are you doing? Okay, I'm shooting here. And how's my look? My mama has actually not seen my Madhuri look till now. So this is the first time she's seeing me like this. See, this is my Madhuri look. Dimpy. मेरा निकनेम एक्चुअली डिम्पी है, सो मम्मा मुझे हमेशा से यू नो डिम्पू डिम्पा डिम्पी डिम्पल सब कुछ बोलते हैं, एंड या एंड कई बार जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है मेरी मम्मा को मुझे तो मुझे बाबी डॉल भी बोलती है। वो नहीं कहना था। तो कितनी अच्छी है, आई एम अ वेरी बैड सिंगर दो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, हो माँ आई लव यू।
भाई तैयार हो जाइए आप सबकी तारा यानी आलिशा पनवर को एक नए रूप में देखने के लिए। महाबलेश्वर से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ विशाल शर्मा आज तक।